नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। टूल किट मामले में एक के बाद एक नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नए जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन अब टूल किट कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। टूल किट गैंग के तार अब सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली में हिंसा और हंगामे की रणनीति बनाने वाले टूल किट गैंग का ISI कनेक्शन सामने आ रहा है। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। पीटर ही वो शख्स है जिसने भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर ही भारत विरोधी होने के सबूत पहले भी मिलते रहे उसके। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध रहे हैं। पीटर ISI के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत ISI एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है, दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फासीवाद पर शोध कर रहा है। पीटर लगातार महात्मा गांधी के खिलाफ भी जहर उगलता रहा है। बताया गया कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत के बदनाम करने की इस साजिश में पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-06 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पर रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से आनंद तिवारी हमारे साथ हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं, मुंबई में निकिता जेकब के घर से आशीष सिंह हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख शंकर आनंद का कर लेते हैं, दिल्ली से वो मौजूद हैं। शंकर, किस तरीके के लिंक सामने आ रहे हैं और ये जो पीटर नाम का शख्स सामने आया इसके बारे में क्या क्या जानकारियां मिल रही? देखिए, पीटर की अगर बात करें तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस की जो साइबर विंग है और स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही है। और ये एक छुपा हुआ एक आतंकी कहा जा सकता है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए विदेश में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस मामले पर तकरीबन साल 2006 से इस पर नज़र रखी जा रही थी। और जिस तरह से अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे भी इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। वहाँ पर ये साइलेंट रह करके किस तरह से इस मामले को अंजाम देना है और किस तरह से अगर टूलकिट कैंपेन की अगर बात करें तो उसमें भी ये इसने पहले से कह रखा था कि आप जिस तरह से बाकायदा इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाओगे, टूलकिट कैंपेन को आगे बढ़ाओगे, उसमें उसको भी ऐड किया जाए। और उसमें भी ऐड करके जो हैशटैग बनाया गया था, हैशटैग को बनाने में इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन तमाम छोटे छोटे मसले को किस तरह से देश विरोधी बनाना है, किस तरह से इस मामले को और ज़्यादा अफवाह फैलाना है, तो इस पर नज़र रखा जा रहा था। और इसी का तकाजा है कि एक आपको मामला बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ITO पर एक ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरह से एक हादसे का शिकार हुआ था एक युवक, उसको भी दिखाया गया कि दिल्ली पुलिस ने उसको गोली मारा, उसके वजह से ऐसा मामला हुआ जिससे कि अफवाह ज़्यादा फैले और उसके बाद हंगामा और ज़्यादा हो। ये मामला जो है ये उग्र प्रदर्शन और हिंसा का एक बड़ा रूप ले लें, तो इस तरह का अफवाहों को फैलाने के लिए जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा था, इस मामले में एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिसको कनाडा से बैठे हुए कई खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो अंजाम दे रहे थे। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी है उसके इशारे पे इस तरह से बकायदा अंजाम दिया जा रहा था। तो कहीं कहीं खालिस्तानियों का जिस तरह से कनेक्शन पंजाब के अंदर में पिछले कुछ दिनों से आतंक चलाने में रहा, तो उसके साथ ही जिस तरह से कनाडा में बैठ करके, चाहे पुनीत की बात कर लें या पीटर की बात कर लें या MO धालीवाल की बात कर लें, तो ये तमाम जो कनेक्शन हैं, इन तमाम कनेक्शन को खंगालने में दिल्ली पुलिस की टीम जुटी है। लेकिन मामला अब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकता है। इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ और ख़ास तौर पर जो विदेश में बैठ करके इस तरह के साजिश को अंजाम दे रहे हैं, इनके खिलाफ ठोस रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम। ठीक है, आप सुन रही है, देखिए भारत को बदनाम करने और देश में हिंसा फैलाने की इस बड़ी साजिश में देश से लेकर विदेश तक 5 किरदार सामने आए।
इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आया था वो दिशा रवि का था, जो बेंगलुरु की रहने वाली है। दिशा एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, दिशा पर टूलकिट को एडिट करने का आरोप है। इसके बाद निकिता जेकब का नाम सामने आया, जो मुंबई की रहने वाली है और पेशे से वकील है। निकिता पर टूलकिट बनाने में दिशा की मदद का आरोप है। निकिता के साथ ही शांतनु का नाम भी सामने आया, जो महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है। शांतनु पेशे से इंजीनियर है। टूलकिट के दस्तावेज तैयार करने का आरोप। विदेश में कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में रहने वाले एक और शख्स पीटर का नाम भी इस पूरी साजिश में सामने आया। आरोप है कि उसी ने टूलकिट के लिए जानकारी मुहैया कराई। पीटर को भी खालिस्तान का समर्थक बताया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी पीटर के संबंध बताए जाते हैं। विदेश से इस टूलकिट कांड के तार जुड़े तो मो धालीवाल का नाम भी सामने आया, जो कैनेडा में रहता है। धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है, वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है। आरोप है कि उसी ने टूलकिट तैयार करवाई। और एक और चेहरा भी सामने आया जिस पर इस कांड में अहम भूमिका निभाने का आरोप है, कनाडा की रहने वाली अनीता लाल। अनीता मो धालीवाल की करीबी बताई जा रही है। अनीता वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी है, साथ ही ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़ी है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक भी जो है वो उस पर भी अब देखिए शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। आनंद जी, देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में जो 26 जनवरी टूलकिट जो तैयार किया गया था, उससे पहले जो जूम मीटिंग हुई थी 11 फरवरी को, उस पूरे मामले में ये जानकारी अब सामने आ रही है कि जो जूम मीटिंग हुई थी, वो जूम मीटिंग में जो 70 लोग शामिल थे, वो 70 लोग कौन हैं। जूम से स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है, उसने ये जवाब मांगा है कि जूम ये बताए कि उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, जिस जूम मीटिंग में जो तमाम क्रिएटर थे टूलकिट के या उसे सर्कुलेट करने वाले थे, उन्होंने अपने नाम गोपनीय रखे थे और एक यूनिक आईडी के जरिए वो तमाम लोग जुड़े थे। निकिता जेकब, दिशा रवि, इसके अलावा शांतनु, एमओ धालीवाल, ये तमाम लोग के नाम तो सामने आ चुके हैं कि वो इस जूम मीटिंग में थे। अनीता लाल का नाम भी सामने आया है कि वो भी जूम मीटिंग में शामिल थी, जो कनाडा बेस्ड हैं और एमओ धालीवाल की एसोसिएट हैं, और वो भी जो PJF है उसकी को फाउंडर रह चुकी हैं। लेकिन बाकी लोग और कौन थे, जो 65 के आसपास जो नाम है वो कौन लोग थे, उसमें क्या पीटर भी शामिल था, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 60 से 65 नाम जूम मीटिंग में जो इस टूलकिट को क्रिएट करने के लिए जो बनाई गई थी, और एक साइबर हमला करने के लिए का जो प्लान था, उसमें एक्शन भी का भी एक टारगेट दिया गया कि किस तरह से एक्शन करना है, मतलब कि हिंसा भड़काना है सड़कों पर आके, ऑन ग्राउंड आके, उसमें वो कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह का टास्क अलग अलग लोगों को दिया गया था, और क्या ये मीटिंग को लेकर। ठीक है आनंद सर, रही है सादे की टूलकिट के ये किरदार खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हैं, यानी वो जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में चिंता जताते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब है, जहां के किसानों पर प्रकृति के दोहन के आरोप लगते रहे हैं। उपजाऊ जमीन का दोहन हो या फिर पानी का इस्तेमाल हो, पंजाब के किसानों पर कई बार इससे लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब पंजाब के इन्हीं किसानों के साथ ये 5 पर्यावरण कार्यकर्ता खड़े हैं। तो क्या इसे सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश ना समझी जाए। इसी बीच टूलकिट मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। टूलकिट केस के अहम किरदार निकिता जेकब गिरफ्तारी से बचने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। निकिता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में निकिता जेकब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। निकिता की याचिका में कहा गया कि उनका मकसद कोई धार्मिक, राजनीतिक और वित्तीय फायदा उठाने का नहीं था। वहीं इस टूलकिट कांड के दूसरे किरदार शांतनु ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में गिरफ्तारी से बचने की याचिका डाली। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है और वो लगातार निकिता और शांतनु की तलाश में लगी हुई है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, जो आमतौर पर ये जानकारी मिल रही है कि सुनवाई जो है वो इस
पहले सेशन में भी हो सकती है और दूसरे सेशन में भी हो सकती है। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर जो जस्टिस पीडी नाइक हैं ये याचिका को किस सेशन में लेते हैं। अगर मॉर्निंग सेशन में लेते हैं तो अर्जेंट बेसिस पर वो लेके सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दोपहर के बाद यानी लंच के बाद जब जो कोर्ट का सेशन होता है उसमें सुनवाई होती है तो देखना ये अहम होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या तथ्य कोर्ट में रखे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कोशिश यही होगी कि जो तथ्य उनके पास है वो कोर्ट के सामने रखे जाएं और जो याचिका दायर की गई है एबीए के लिए उसे जो है कहीं ना कहीं रद्द करवाने की कोशिश की जाए कोर्ट के जरिए। तो महत्वपूर्ण चीज फिर मामले में यही है कि जो दलीलें लगातार निकिता जैकब की तरफ से दी जा रही हैं कि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था जिससे हिंसा बढ़े या फिर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें एफआईआर की कॉपी अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो जानना चाहती है कि आखिर उनके खिलाफ एफआईआर किसने की और किसने की तो कंप्लेनेंट कौन है। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस भी अपने सारे तथ्य रखेगी और दिल्ली पुलिस की जो टीम है इस वक्त मुंबई में मौजूद है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है ताकि जब सुनवाई हो मुंबई हाईकोर्ट में तो जो है वो कोर्ट के सामने जो तथ्य है वो रखे जा सकें और जो निकिता जैकब की कोशिश है कि किसी तरह से एबीए ले ली जाए इस पूरे मामले में ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। दिल्ली पुलिस का मकसद क्या है, वो निकिता जैकब से पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से 5 नाम अब तक सामने आए हैं निकिता अगर अर्पिता माफ कीजिएगा निकिता अगर निकिता से अगर पूछताछ होगी तो कुछ और नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं और निकिता जो है एक अहम किरदार है पूरे टूल किट केस में। तो जाहिर तौर पर निकिता की ये कोशिश होगी कि किसी तरह वो गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है वो कोर्ट के जरिए जो है वो एबीए उन्हें मिले और वो थोड़े राहत मिले। यानी देखिए जो जानकारी आप दे रहे हैं आपसे थोड़ी देर में इस पर सुनवाई शुरू होगी उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब ने एक बयान भी जारी किया और दिल्ली पुलिस को दिए गए इस बयान की कॉपी न्यूज 18 के पास है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि टूल किट और किसान आंदोलन पर किस तरह की तैयारियां हो रही थी वो सभी जानकारी निकिता ने पुलिस को दी है। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, निकिता ने अपना बयान दरअसल सौंपा है और उस बयान में क्या कहा गया ये न्यूज 18 के पास है। दिल्ली पुलिस को दिए गए इस बयान की कॉपी न्यूज 18 के पास है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि टूलकिट और किसान आंदोलन पर किस तरह की तैयारियां हो रही थी वो सभी जानकारी निकिता ने पुलिस को दी है। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस को सारी जानकारी निकिता दे रही है वहीं पूछताछ में शामिल नहीं हुई है वो। हालांकि देखिए उससे पहले बकायदा स्पेशल सेल की टीम उनके घर पहुंची थी, वहां पर उनसे दस्तावेज में साइन भी करवाए गए थे कि पूछताछ में वो शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड है। हालांकि उन्होंने कल ही एक याचिका कोर्ट में दाखिल की है जिस पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। ये याचिका दरअसल अग्रिम जमानत को लेकर है, लेकिन इन सब के बीच जो एक और खबर सामने आ रही है वो ये कि उन्होंने बकायदा एक जानकारी जो है वो पुलिस से साझा की है कि किस तरीके की तैयारियां टूलकिट और किसान आंदोलन पर की जा रही थी। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। विवेक अर्पिता देखिए इस पूरे मामले में जो टूलकिट मामले में जो आरोपी है निकिता जैकब जो बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील भी हैं वो उस समय फरार चल रही हैं, लेकिन कुछ देर पहले ही जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम मुंबई आई थी उन्होंने साफ तौर पर 13 पन्नों का स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है टूलकिट को लेकर उसकी तैयारियां नवंबर से चल रही थी, नवंबर दिसंबर जनवरी तक पूरी तैयारियां चलती रही हैं और जिस जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे इस पूरे आंदोलन को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि निकिता ने साफ तौर बताया कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सोशल मीडिया से जोड़ा गया और फिर सोशल मीडिया के जरिए ही इस पूरे मामले में इंटरनेशनल के जो बड़े लोग हैं उन्हें शामिल किया गया है और इस पूरे मामले में साफ तौर पर निकिता ने यह भी कहा है कि जो टूल किट की जो भी डिटेल्स है वो उनको पता थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उसमें भी निकिता बाकायदा मेंबर थी और एक जो अहम लाइन निकिता ने इस पूरे स्टेटमेंट में कहा है कि उसे इस ग्रुप का जो टूल का है उसे ऑथराइज्ड जो सिग्नेटरी है वो बना दिया गया था, लेकिन निकिता का साफ तौर पर कहना है कि उसे गलती से बनाया गया था उसे अंदाजा नहीं था कि उसे ऑथराइज सिग्नेटरी पूरे ग्रुप का बना दिया जाएगा। विवेक आप नजर बनाए रखिए, आशीष से भी अपडेट ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आशीष जी बिल्कुल अर्पिता, निकिता के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि कोर्ट में जो है फैसला उन्होंने 4 हफ्ते का एक इंटरिम रिलीफ मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हुआ है, यहाँ पे इंटरिम रिलीफ दिया जाए उन्हें 4 हफ्ते का ताकि वो अपना पक्ष रख सके कि किस तरह से जो है वो एंटी नेशनल काम में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वो अपने फ्लैट से गायब हुई हैं 11 फरवरी को जब दिल्ली स्पेशल सेक्युरिटी टीम पूछताछ करके यहाँ से गई और 12 फरवरी को पूछताछ के लिए आने वाली थी, तब से
उनके फ्लैट पर कोई भी मौजूद नहीं है, उसकी वजह से उनके लिए मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली स्पेशल सेल कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मांग कर सकती है कि एबीए की सुनवाई, एंटीसिपेटरी बेल की जो सुनवाई है वो इन दोनों ही संदिग्धों के फिजिकल प्रेजेंस में हो, क्योंकि शांतनु ने भी औरंगाबाद बेंच में जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट में दिल्ली स्पेशल सेल कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस की मांग कर सकती है। ऐसे में एबीए का अगर खारिज होती है तो उन्हें कोर्ट से ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, अब आपको बताते हैं कि साजिश की पूरी टाइमलाइन क्या है। 21 नवंबर को पर्यावरण आंदोलन रिबेलियन भारत से जुड़ा, 25 नवंबर को किसानों के लिए ग्रीन विद फार्मर्स समूह बना, 1-2 दिसंबर को किसानों के लिए काम कर रहे एक्सआर इंडिया का ईमेल अकाउंट बना, जबकि 2-3 दिसंबर को किसान आंदोलन की डिटेल के लिए एक्सआर वॉलंटियर्स बनाया गया, 6 दिसंबर को एक्सआर वॉलंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें निकिता भी शामिल थी, और 13 दिसंबर को एक मैप को डाउनलोड भी किया गया, 8 जनवरी को एक्सआर को #AskIndiaWhy अभियान से जोड़ने को कहा गया, जबकि 11 जनवरी को आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जूम मीटिंग हुई, 18 जनवरी को #AskIndiaWhy वेबसाइट बनाकर सभी डिटेल अपलोड किए गए, अपडेट भी किए गए, 26 जनवरी को निकिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया, और 1 फरवरी को कई विदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता XR इंडिया से जुड़े और ट्वीट करना शुरू किया, 2 फरवरी को निकिता ने पूरी डिटेल शांतनु के साथ शेयर की, 3 फरवरी को निकिता को एडिटिंग राइट के साथ गलती से ऑनरशिप राइट भी दे दिए गए,